अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हमें आप पाकिस्तान में ज्वाइन करें, एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, क्रिकेट हमें यू नो एक साथ लेकर आती है, यूनाइट करती है। एंड पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ की हम आज कॉन्वर्जेशन करेंगे। फर्स्ट T20 मैच में तो बारिश हुई, बिजली चमकी, फिर छक्कों की बारिश हुई, फिर विकेट्स गिरी। इट वॉज ऑल अ ग्रेट, ऑल इन ऑल अ गुड मैच, मगर पाकिस्तान ये मैच 29 रन से हार गया और ऑस्ट्रेलिया ने अब लीड ले ली है T20 सीरीज़ में बाय 1-0। ऑफ कोर्स हमारा किसी का T7 ओवर्स के T20 मैच का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने ये भी देख लिया, बट किस तरह पाकिस्तान कम बैक कर सकेगा इस T20 सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे। बट जस्ट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर कि कल ब्रिस्बेन में क्या हुआ था, वॉट हैपेंड। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ रेन शॉर्ट हो गया था गेम, और उसके बाद 7 ओवर्स का यू नो फाइनल हुआ कि 7 ओवर्स हो गए मैच में। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, वेल ग्लेन मैक्सवेल ने क्या किया, वो डेंजर मैन थे, उन्हें सुपर्ब 43/19 बनाए। आई मीन टॉस का डिसीजन सही था रिजवान का, आई एम ग्लैड ही वन, पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आप देखे ना, देवर ऑन अ डिफरेंट मोड, डिस्ट्रक्टिव मोड में आए थे। टिम डेविड ने बनाए 10 रन फॉर 8 एंड मार्कस स्टोइनिस 21 फॉर 7, एंड फिर नसीम शाह ने लिए 1 विकेट विद 37 रन्स। एंड ठीक है, हम लोग स्कोर कार्ड देख रहे थे, पर आपको जस्ट अ क्विक, नसीम शाह ने ली 1 विकेट एंड देन हारिस रॉ 1 एंड देन अब्बास आफरीदी, हु इज अ ग्रेट इंक्लूजन, मेड टुक 2 विकेट्स, और चेस करते हुए पाकिस्तान हो गया कोलैप्स और हम लोग प्लमिट हो गए बाय 24/6। बट यस, थोड़े रिस्पेक्टेबल एक हो गया था इनिंग्स जब हसीबुल्ला एंड अब्बास आफरीदी ने चिप इन किया, हसीबुल्ला के 12, अब्बास आफरीदी 20 एंड शाहिन शाह आफरीदी ने 11 रन चिप इन किए, सो 64/9 दैट वाज द स्कोर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं अबाउट यस्टरडेज मैच एंड ऑल्सो अब कल जो मैच खेला जाएगा, दैट विल बी द सेकेंड T20 सिडनी में 16 नवंबर। विल टेल यू मोर अबाउट दैट। एंड मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अहमद, आपके पास पहले आते हैं, आई मीन लुक, किसी का एक्सपीरियंस नहीं था 7 ओवर्स खेलने का। यस, पाकिस्तान ने बैटर्स वर नॉट दैट ग्रेट, यस हमने कोई प्रोडक्टिव शॉट्स नहीं देखी, यस हमारे पास पावर हिटर के किसी ने कोई साइन नहीं दिखाया, बट यू नो देन अगेन इन सच अ शॉर्ट अ फॉर्मेट दिस वॉज टेंट यू नो ये होना था, नहीं जी? बिल्कुल होना था, लेकिन कुछ और चीजें फातिमा होने को हो सकती थी, वो ये थी कि देखें, अगर हम इस टीम को वाइट वॉश करने में कामयाब होते, जो गालिबन हल्की टीम है और उस तरह के यंगस्टर्स भी नहीं है जो पहले ऑस्ट्रेलिया के हुआ करते थे, तो रैंकिंग्स में बड़ा फर्क आना था, जिस तरह अभी ODI की रैंकिंग्स में आया है। फिर कल के मैच के अंदर कुछ हद पॉजिटिव थे, वो आपके यंगस्टर्स थे, जिस तरह साहिब ज़ादा फरहान ने आके इंटेंट पहले ही 2 बोलों पे शॉक किया, 2 बोलों पे 2 चौके लगाए, फिर हसीबुल्ला और अब्बास नीचे से अच्छा खेले, अब्बास ने अच्छी बॉलिंग भी की लेकिन अंडर यूटिलाइज रहे, अच्छी बॉलिंग के बाद भी उनको सिर्फ 1 ही ओवर आया, उनसे 2 ओवर क्यों नहीं कराए गए। फिर जो फास्ट बॉलर जब हमारे बॉलिंग कर रहे थे, मिड ऑफ पीछे ले लिया गया और मैक्सवेल फिर रिवर्स मारने लग गया जब थर्ड मैन ऊपर आया पॉइंट, तो यू नो ये चीजें हैं। फिर स्पिनर हमने नहीं खिलाया फातिमा, अब आप जैम्पा से मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी कंडीशन तो आप रीड नहीं कर सकते ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक स्पिनर जैम्पा डाला हुआ था कि अगर फास्ट बॉलर की पिटाई होगी, जो कि हो भी सकती है 7 ओवर के मैच में, तो हम स्पिनर से पेस ऑफ करेंगे क्योंकि स्क्वेयर की बाउंड्रीज बड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, जब फास्ट बॉलर की पिटाई हुई तो वो फास्ट बॉलर से ही पिटते ही चले गए। फिर एक और बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की टीम के अंदर के, देखें एक ही प्लेइंग 11 के अंदर आप 3 जो है एंकर रोल बैट्समैन किस तरह खिला सकते हैं, जिस तरह बाबर आजम का भी सबको पता है कि वो एंकर रोल करते हैं, फिर रिजवान का भी सबको पता है कि आप एंकर रोल प्ले करते हैं, अब सलमान अली आगा भी ऑलमोस्ट उसी तरह के प्लेयर आ गए हैं। देखें दूसरी टीमें भी, भारत की टीम खेल रही थी, 300 टच करने गई थी T20 के अंदर, तो आप इन प्लेयर्स को, इन 3 प्लेयर्स को प्लेइंग 11 के अंदर डाल के आप क्या टच करना चाह रहे हैं, 300 टच करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे, कोई हिस्ट्री और पेडिग्री भी होती है, तो ये कुछ हद कंसर्न्स कल के मैच में है जो पाकिस्तान ने शो किए, और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा चांस मिस किया है व्हाइट वॉश करके अपनी रैंकिंग्स ऊपर लेके जाने। यू नो अब तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आई मीन उन तारीफ करनी चाहिए ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बेसर्स एज वेल, जो जेवियर बालेट है, नेथन एलिस, इन दोनों ने 3-3 विकेट्स ली, फिर जैम्पा ने राउंड अप कर लिया। आई थिंक पाकिस्तान की जो हम लोग बात कर रहे थे वो इन इफेक्टिव 5th बॉलर, आई थिंक दैट्स द की थिंग जो हम लोग मिस कर रहे थे, क्योंकि लैक ऑफ डेप्थ थी बॉलिंग ऑप्शन में।
जी हम लोग जैसे कहा उसमें के क्या नाम है, हम लोग वैसे एक स्पिनर से कम थे अहमद यस, तो सम टाइम हो जाता कोई बात। तो मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए आपने टीम अनाउंस की, यंगस्टर डाले चौके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम इतने सारे डाल देना वो भी आपके लिए मेरा ख्याल ठीक नहीं है। आपको एटलीस्ट एक ऐसा प्लेयर जो ओपनिंग में तगड़ा हो, साइम अयूब ठीक है खेले में आपने ट्राई किया, हम इससे कोई इनकार नहीं है हमें, देखिए एटलीस्ट ऐसा तो कोई हो जो, और फिर ये कि आप चाह रहे थे कि उन्होंने जो भी किया आप दो ओवर में सारा कुछ खत्म कर देना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था जो पावर प्ले का था, नहीं साहब ज्यादा और कई वो है जो ऊपर ऑर्डर में खेलते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बाबर को भी रेस्ट कराने में कोई बुराई तो नहीं आ रही, नहीं करना चाहिए, खिला दें दूसरों को खिला दें इसी तरह, बट आपके 11 जो थी ना उसमें इतने सारे बैट्समैन बैठे हुए थे और आप कोई चेंज भी नहीं कर सके, चले हम कल तो छोड़ देते हैं, कल 7 ओवर का था बट 7 ओवर, लेकिन आपने इतनी जल्दी की कि 16 रन्स पे आपके 5-6 आउट हो गए, तो क्या बाहर से क्या आपको इंस्ट्रक्शन थी, क्या हमने 5 ओवर में खत्म कर देना है या क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई। तो आई थिंक मेरे ख्याल उस लिहाज से ये यंगस्टर को भी सोचना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं। अब साहबजादा ने अगर 2 चौके मार दिए थे, देखिए वो आपको उछाल वाली बॉलिंग करेंगे, वो आपको ऊंची करेंगे और आप इसके आदी नहीं है, आप पुल नहीं मार सकते, ये अपना अहमद बता सकता है कि हम लोग जो है वहां लिमिटेड शॉट लगते हैं, वो लोग पुल अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा खेलते हैं, इसी तरह की शॉटें ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती हैं और हम जो है पुल मार रहे हैं, हमें पोजीशन नहीं पे भी नहीं पहुंच पा रहे और जबरदस्ती की हम चला रहे हैं, तो ये एक मैं चले अभी 7 ओवर्स के उस पर तो छोड़ देता हूँ, बट आपने खराब बैटिंग की, आप चले जाते 80-85 तक जाके एंड में जाके हार जाते, आप कोई बुराई नहीं थी, लेकिन आपने 11 में भी मेरा ख्याल है कि आपने सही बैटिंग ऑर्डर ठीक है इस टाइम में जरूरत थी तो आप बाबर को नीचे कर देते, ऐसी कौन सी बात थी, आप आफरीदी को ऊपर कर देते, मतलब ऐसे जो थोड़े से अटैक कर सके और आपके विकेट कीपर जो है वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं उनको आपने खिलाया, आई मीन क्या हमें तो इनको ट्राई करना है ना, अगर बाबर आई एम सॉरी टू से अगर बाबर को हम देखें, पहले भी हम स्ट्राइक रेट पे बहुत बात कर चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाबर नीचे चले जाएंगे अगर प्लेयरों को देखेंगे कि आप तो यहाँ तो आप खेल रहे हैं ठीक है पिछली परफॉर्मेंस पे आप खिला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जाएंगे, नीचे फिर जगह नहीं है उनके लिए इस फॉर्मेट। अहमद आई थिंक वही बात हम आगे लेके जाएंगे, तो तौसीफ अहमद साहब भी कह रहे थे अबाउट मोर प्रोडक्टिव शॉट्स बट अडेप्टिंग टू द कंडीशंस लुकिंग अराउंड, वो हमें नहीं देखा, सो आई थिंक यू नो ही इज राइट, बैटिंग खराब थी ठीक है 7 ओवर्स का गेम था बट एक झलक दिखी कि यू नो वी वॉन्टेड मोर प्रोडक्टिव शॉट्स, सो आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम एक्सप्लेन करें। देखिए फातिमा नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन हम पहले से ये बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग यूनिट में पावर की कमी नजर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दुनियाई बल्लेबाजों की टीम के साथ जो ऊपर वाली 4 टीमें हैं उनकी बैटिंग लाइनअप को कंपेयर करेंगे तो पावर की खासी कमी नजर आती है। फिर कल के मैच में हमने देखा, हमने यू नो एक बैट्समैन एक्स्ट्रा डाला और स्पिनर खा गए, इतने छोटे मैच में आप बैट्समैन एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं, आप अपनी बॉलिंग रिसोर्सेस पूरी करते हैं, आपके पास एक स्पिनर होना चाहिए था, आपने हसीबुल्ला को डाला था। देखिए मेरा फातिमा आपसे ये मानना है, देखिए अब हसीबुल्ला ने सारी जो परफॉर्मेंसेस हैं अच्छी जो दी हैं वो आपको टॉप ऑर्डर पे दी हैं, सही है, अब जिस तरह यू नो अब उसको बेहतर तो यही होगा कि आप हसीबुल्ला को अपने नंबर पे खिलाइए जो कि टॉप ऑर्डर में है, और हसीबुल्ला को हमने इस तरह की इनिंग्स खेलते हुए देखा है जिसमें वो बड़ी अटैकिंग इनिंग खेलते हैं और जब वो खेलते हैं तो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाते हैं, और पाकिस्तान की टीम में अगर किसी चीज की ये कभी कमी नजर आ रही है तो वो इसी तरह के एक दो बल्लेबाजों की आ रही है, एक हमारा अगर जिस तरह साहिबजादा फरहान ने यू नो एक स्टार्ट दिया, अगर साथ हसीब भी आ जाएंगे और नीचे से फिर एक यू नो एक दो पावर हिटर एक मिडल में तगड़ा, तो यू बेहतरी की तरफ तो जाना चाहिए। अगर आप
यू नो प्लेयर्स ढूंढेंगे नहीं और बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे और जो जिनका नंबर है उनको वहां नहीं खिलाएंगे तो पाकिस्तानी टीम को प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। देखें रिजवान बोल रहे हैं कि हम प्लेयर्स ट्राई आउट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है खिलाएं, लेकिन यंगस्टर्स को उनकी जगह पे खिलाएं, हसीबुल्ला को आप ऊपर खिलाएं, जो बच्चा जहां उसने परफॉर्मेंस किया आप उसको वहां पे खिलाएंगे तो वो चांस बनना है, बाकी मर्जी इनकी है। लेकिन जिस तरह रिजवान ने बोला था यहाँ के यू नो फाइट नजर आएगी, फाइट नजर आएगी, कल के मैच में वो कहीं जब बारिश हुई तो उसके बाद स्विच ऑन लगे नहीं, और मेरे ख्याल से ऐसा जब वेदर होता है, हम भी उसी ड्रेसिंग रूम में थे, पकोड़े जेन में आते हैं, समोसे जेन में आते हैं, कॉफी जेन में आती है, लेकिन वो उसके बाद वो स्विच ऑन हो नहीं सके। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये फाइट जो रिजवान ने बोला था कि हमें जरूर नजर आएगी, कल के मैच में वो कहीं से नजर आए नहीं। तौसीफ साहब, आई थिंक एक बहुत सारा शोर शराबा शुरू हो गया अबाउट सलमान अली आगा एज वेल, कि इज ही टी ट्वेंटी प्लेयर और नॉट, और ये सब बातें भी शुरू हो गई हैं। लोग ये डिमांड करें कि अब पीसीबी को और थिंक टैंक को रिकगनाइज करना चाहिए कि आपके कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो एग्रेशन ला सकते हैं टी ट्वेंटी में, और कौन वो कौन टी ट्वेंटी प्लेयर है एक्चुअली और कौन नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कहा गया भाई इनको डाल दो, भुगता दो, ये भुगताने वाला काम नहीं है। देखें एक तो बहुत मुश्किल जगह पे आप गए हैं, इतना आसान नहीं है इन सबका खेलना, और फिर जैसे अहमद ने कहा कि जिसको जो जगह है उस पर आप खिलाएंगे, अगर उस पर आप नहीं खिलाएंगे तो आप तो चेक कर रहे हैं ना सबको, जरूरी नहीं है। और फिर दो विकेट कीपर भी कप्तान है वो इसलिए खेलना है उन्होंने, फिर आप हसीब को फिर नहीं रखते, आप उसमें कौन सी बुराई थी, एक स्पिनर डाल देते, मतलब इस तरह कुछ एडजस्ट करते आप कि जिससे कोई बात समझ आती, ऐसा लग रहा है कि आप ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद एंड तौसीफ अहमद साहब, आप दोनों का आपने हमें ज्वाइन किया है, बट यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज हम लोगों ने अभी बात करनी टी ट्वेंटी सेकेंड टी ट्वेंटी मैच की जो कल सिडनी में खेला जाएगा। विल वी सी अ स्पिन एंड प्ले? वेल यू नेवर नो विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम।